नमस्कार दोस्तों, लैपटॉप बाइंग गाइड के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए तीन बहुत ही बढ़िया अंडर 50,000 गेमिंग लैपटॉप, जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखे। और ये जो आपको अंडर 50,000 आसानी से मिल जाएंगे, और इन सभी के अंदर आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, यानी कि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाया गया है। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, जो कि एक्सटर्नल वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और ये सभी आपको अंडर 50,000 में आसानी से मिल जाएंगे। और इनके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनके बारे में और जान सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सबसे पहला लैपटॉप है HP विक्टर गेमिंग लैपटॉप। ये जो है AMD राइजन 5 5600H प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें आपको AMD रेडॉन RX 6500H ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और ये लैपटॉप विंडोज 11 होम के साथ आता है, जो कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। इसमें जो 8GB DDR4 रैम लगा गया है, जो कि थोड़ा कम है, लेकिन आसानी से ये गेम रन कर देगा। जो इसकी क्लॉक स्पीड 3200 MHz है। और इसमें जो है आपको 512GB की SSD मिल जाएगी, जो कि PCIe स्लॉट के साथ आता है। इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है, जो कि 144Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और इसमें आपको कीबोर्ड में बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, आप इसे आसानी से अंधेरे में यूज़ कर सकते हो। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 49,000 के आसपास मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। अगर आप कार्ड वगैरह ऑफर यूज़ करते हो तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा। अगला है लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। इसका जो स्पेक्स है बिल्कुल सेम है HP विक्टर्स की तरह, लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ का मतलब डिफरेंस है, जो कि HP में आपका AMD रेडॉन लगा हुआ था, लेकिन इसमें जो है NVIDIA RTX 2050 लगा हुआ है, जो कि 4GB का ही ग्राफिक्स कार्ड है। और ये ग्राफिक्स कार्ड भी काफ़ी कैपेबल है GTA 5 को रन करने के लिए, तो इसमें भी आप आसानी से GTA 5 रन कर सकते हो। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, सभी के सभी सेम है, और इसमें ग्राफिक्स कार्ड ही चेंज हुआ है। और इसकी प्राइस आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा, ये आपको 45,000 के आसपास मिल जाएगा। और कार्ड ऑफर करके तो आपको लगभग 40,000 में मिल सकता है। और ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है एक मतलब गेमिंग लैपटॉप बाय करने के लिए। आप बाकी पैसों से कुछ और भी चीज़ें बाय कर सकते हो, आप इसका जो स्टोरेज वगैरह उसको भी अपग्रेड कर सकते हो बाकी मतलब पैसों से। और आखिरी वाला लैपटॉप वो है ASUS TUF गेमिंग। इसमें जो है आपको इंटेल वाला वेरियंट मिलता है। इसमें आपको i5 11th Gen 400H वाला प्रोसेसर लगा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और इसमें जो है सबसे बड़ी आपको डिस्प्ले मिलती है, इसमें जो है आपको 17.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और बाकी इसमें भी NVIDIA 2050 ग्राफिक्स कार्ड ही लगा हुआ है, जो कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। और इसमें भी आपको बाकी रैम, स्टोरेज और विंडोज़ बाकी सब कुछ सेम मिलता है, और इसमें आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है। और लेनोवो आइडियापैड में आपको सिर्फ बैकलिट कीबोर्ड मिलता था, लेकिन इसमें आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, और इसका जो कलर है वो RGB की तरह आएगा, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसकी जो है प्राइस एग्जैक्ट 50,000 है। अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करोगे थोड़ा आपको कम में मिल जाएगा, लेकिन इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा गया है, और इंटेल का प्रोसेसर थोड़े महंगे आते हैं AMD के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कुछ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताया, जिन्हें आप परचेस कर सकते हो अंडर 50,000 आपको मिल जाएंगे। और अगर आप कार्ड वगैरह यूज़ करोगे तो सस्ते में मिल जाएंगे, और बाकी वजह से आप कुछ और भी चीज़ें खरीद सकते हो, एक्स्ट्रा कंपोनेंट वगैरह। आप इसका रैम भी अपग्रेड कर सकते हो और स्टोरेज भी अपग्रेड कर ही सकते हो। तो इनके बारे में और अगर आपको जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर से कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे।